पानी पूरी। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसे पानी पूरी ना पसंद हो। तो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ ठेले वाले जैसे दो बहुत ही बढ़िया पानी और बहुत ही टेस्टी मसाले की रेसिपी। अगर आपने एक बार इसे घर पे बना लिया ना, तो हर बार फिर इसी तरह से बनाएंगे और बाहर ठेले में जो मिलती है ना, उसी का मजा घर पे आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम खट्टा मीठा पानी तैयार करने के लिए इमली को भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इमली ली है और उसके अंदर उबलता हुआ पानी डालेंगे और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना दोनों को ठंडे पानी के अंदर रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। तो धनिया ज्यादा लिया है और पुदीने की क्वांटिटी कम है, क्योंकि पुदीने से कई बार अगर ज्यादा डाल देते हैं तो पानी में कड़वाहट आ जाती है। तो पुदीना मैंने कम क्वांटिटी में लिया है। तो यहाँ पर मैंने समझिए कि 2 कप भर के धनिया लिया है और आधा कप भर के पुदीना लिया है। पानी के अंदर बर्फ डालकर मैंने इसे छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। गर्मियों में जब भी हम इस तरह से तैयार करते हैं ना पानी, तो वो थोड़ा काला हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी काला नहीं होगा। तो मिक्सर जार में पहले हम बर्फ डाल देंगे, आइस क्यूब डालेंगे 5 से 6। थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया है, उसके छिलके निकाल दिए थे, और 3 से 4 हरी मिर्च है। ये तीखी वाली है तो मैंने क्वांटिटी कम ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब धनिया और पुदीना दोनों डाल देंगे। तो जब भी आप गर्मियों के मौसम में ये पानी बनाए, तो मिक्सर जार में पहले आइस क्यूब डाले और फिर ऊपर ये सारी चीजें डाले। तो मिक्सर जो है ना गर्म नहीं होगा और आपका पानी का कलर है ना वो काला नहीं आएगा। और इसके अंदर हम बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच, क्योंकि आइस क्यूब ग्राइंड होने से पानी बनेगा। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब एक छलनी रखेंगे और इसे छान लेंगे। मिर्ची और अदरक पुदीना सबका जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर अभी आ चुका है, तो हम इसे पहले से ही छान लेते हैं। आप चाहे तो पानी को रख दीजिए फ्रीज में, 2 घंटा ठंडा होने दीजिए, बाद में इसे छान लीजिए। और आपको पसंद है तो आप बिना छाने भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन हमें एकदम स्मूथ पानी चाहिए तो इसे हमें छानना होता है ताकि जो रेसे होते हैं ना वो सारे अलग से हो जाए। अब ये जो पेस्ट बच जाएगा ना, उसको आपको फेंकना नहीं है, हम उसका आगे इस्तेमाल करेंगे। और देखिए क्या गजब टेस्ट आएगा इसका। तो बस पानी के अंदर हम थोड़े से आइस क्यूब और डाल देते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तो मैंने 5 से 6 आइस क्यूब इसमें डाल दिए हैं। अभी मसाले हमने नहीं डाले हैं, तो मसाले बस इसके अंदर डाल देंगे अभी। और कोई स्पेशल मसाला मैंने नहीं डाला है, रेडीमेड मार्केट में जो मिलता है मसाला वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब नींबू सत्व यानी कि सिट्रिक एसिड, आधा टीस्पून डाल देंगे काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, आधा टीस्पून डालेंगे नॉर्मल वाला नमक। काला नमक और नॉर्मल नमक दोनों इसमें पड़ता है। और अगर आपको सिट्रिक एसिड नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। आधा टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हींग जाएगी, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर जाएगा, और मैं इसमें डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर। अगर आपके पास पानी पूरी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, और अगर नहीं भी है तब भी चलेगा। ये मसाले डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बाहर जो आप खाते हैं ना उसमें जलजीरा पाउडर डाला जाता है। तो एक मैंने छोटा पैकेट ले लिया था जो 1 रुपए का आता है, तो बस मैंने वो ही डाल दिया है। पानी कम है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मिक्स कर लीजिए और अब इसे छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना वो पानी में आ जाए। तो बस इसे हमें फ्रीज में छोड़ना है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। नहीं तो क्या होता है, गर्मियों में जब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा काला कलर का हो जाता है। तो बस इसे हमें फ्रीज में छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। तब तक हम जो खट्टा मीठा पानी है ना उसकी तैयारी करेंगे। तो इमली को हमने भिगो कर रखा था तो अच्छे से ये गल चुकी है, तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही छान के इसका पल्प निकाल सकते हैं, लेकिन हाथों से इतना पल्प नहीं निकलता है तो बेटर है इसे हमें मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड करना होगा। तो मिक्सर जार में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त और एक्स्ट्रा पानी ना डालें, क्योंकि पानी हमने इसमें डाल दिया था पहले ही। तो ग्राइंड करने के बाद इसे भी हमें छान लेना है ताकि इसके इमली के जो रेशे होते हैं वो निकल आए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चटकारे वाला आपका पानी तैयार होने वाला है। तो इसे हमें छान लेना है।
तो सारे जो रेशे हैं ना वो अलग हो जाएंगे। अगर आपके पास इमली का पल्प है घर में तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे छान लिया है और ये जो अभी ऊपर रेशे बच गए ना उसको भी आप जैसे आपके घर में पीतल के बर्तन है तो उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप सांभार बना रहे हैं तो उसमें भी ये डाल सकते हैं। बस इसके अंदर अभी हमें मसाले डालने हैं, लेकिन पहले हमें इसे पकाना है गुड़ के साथ। तो ये खट्टा मीठा पानी रहता है तो हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसे हमें ज्यादा मीठा नहीं करना है तो मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इसके अंदर गुड़ डाल दिया है। आपको जितना खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर गुड़ डालें। ज्यादा खट्टा पसंद हो तो कम डालें, और मीठा चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होता जाएगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पानी अभी डाल देते हैं। आप चाहे तो इस तरह से इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो फिर ज्यादा पानी ना डालें। देखिए गुड़ अभी पिघल चुका है, अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो पानी कम डाल दीजिए, इमली और गुड़ को अच्छे से पका लीजिए और मसाले डाल के फिर उसे जो आइस ट्रे आती है उसके अंदर भर के स्टोर कर दीजिए। जब भी आपको पानी बनाना है तो बस 3 से 4 क्यूब निकालें, थोड़ा पानी डालें और आपका खट्टा मीठा पानी तैयार। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक और 1/2 टीस्पून जाएगा नॉर्मल नमक। ध्यान रहे कि दोनों जो पानी है ना उसमें दो तरह के नमक पड़ते हैं, काला नमक और सादा नमक। दोनों से बढ़िया टेस्ट आएगा, तो आपको दोनों ही डालने हैं जो आपका टेस्ट है उसके हिसाब से। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हींग, आधा टी स्पून डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें भी हम जलजीरा पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है जलजीरा पाउडर तो आप थोड़ा सा पानी पूरी का जो मसाला है वो डाल दीजिए, आधा टी स्पून के करीब। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले डालने के बाद इसे थोड़ा सा और उबलने देंगे ताकि मसालों का जो स्वाद है ना बढ़िया से आ जाए। आप जब भी बाहर ठेले पर पानी पूरी खाते हैं तो उनके पास दो तरह के पानी रहते हैं, एक तीखा रहता है और एक खट्टा मीठा। तो ये जो खट्टा मीठा पानी है ना बिल्कुल ठेले वाले जैसे बनेगा, बहुत ही बढ़िया। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब ये गर्म है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 2 कप पानी इसके अंदर और डाल देती हूँ। 3 से 4 लोगों के लिए पानी की ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो सही रहती है, और साथ में थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे ताकि पानी जल्दी से हमारा ठंडा हो जाए। और ये दोनों ही पानी जो है ना वो जब भी आप सर्व करें तो ठंडे रहने चाहिए, और जब भी आपको सर्व करने हैं उससे 2 से 3 घंटे पहले बनाकर रख दीजिए ताकि पानी के अंदर मसालों का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए। अगर आप बनाकर तुरंत ही सर्व करेंगे तो मसाले का फ्लेवर इतना एनहांस नहीं होगा। अब बनाते हैं आलू मसाला। तो यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 1 कप भर के इसके अंदर जो देशी काला चना आता है उबला वो डाल दिया है। हरी मिर्च डाली है 2 छोटी छोटी करके, काला नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भर के, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे कलर आएगा लेकिन ज्यादा तीखा नहीं होगा। जितना तीखा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। सादा नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, ये जो मसाला है उसमें भी काला नमक जाएगा और सादा नमक जाएगा। जलजीरा पाउडर डाल देंगे 1 पैकेट, और थोड़ी सी बारीक कट की हुई प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालते हैं ना तो जरूर डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आधे नींबू का रस डाल देंगे, और जो हमने पेस्ट बचा के रखी थी ना जो पानी छाना था उस वक्त, तो वो इसमें डाल देंगे जिससे बहुत बढ़िया पुदीना और धनिया का टेस्ट आएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, और फिर हाथों से ही आप हल्का सा इसे मैश कर दीजिए। ठेले वाले के पास इसी तरह का मसाला रहता है, आप चाहे तो पोटेटो मैशर से इसे मैश भी कर सकते हैं। तो मसाला भी हमारा अभी तैयार हो गया है। तो मसाला भी आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे पहले ही बनाकर छोड़ दीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर उसमें भी आ जाए। तो सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कट किया हरा धनिया। देखिए कितना टेस्टी बना है ना, और खुशबू की तो क्या कहने, देखते ही खाने का मन हो जाएगा। इतना बढ़िया टेस्टी हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। तो बस
अभी जो पानी मैंने फ्रीज में रखा था उसे मैंने बाहर निकाल दिया है, उसे गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और जो खारी वाली बूंदी आती है ना, सिर्फ नमक रहता है जिसमें, वो डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही चटखारे वाला तीखा पानी तैयार है, और खट्टा मीठा पानी भी तैयार है, तो उसमें भी थोड़ी सी बूंदी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो बस देर किस बात की, चलिए पानी पूरी खाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा तीखा पानी और खट्टा मीठा पानी तैयार हो चुका है, और टेस्टी सा मसाला भी। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी ट्राई करना तो जरूर बनता है। रेसिपी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई है तो दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर से मिलते हैं नई मजेदार रेसिपी के साथ।